आज के समय में लोग जितना हिंदी गानों को सुनना पसंद करते हैं उतना ही पंजाबी गानों को भी सुनना पसंद करते हैं। समय के साथ पंजाबी गानों की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है और पंजाबी भाषा के गाने अब सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं हैं बल्कि पूरे देश में धूम मचा रहे हैं। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री ने इस देश को एक से बढ़कर एक कई टैलेंटेड सिंगर्स दिए हैं जो आज पंजाब से निकलकर पूरे भारत में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इन्हीं सिंगर्स में से एक हैं पंजाबी सिंगर, एक्टर और डायरेक्टर परमिश वर्मा, जिनको पंजाब में तो पसंद किया ही जाता है, साथ ही साथ भारत के अलग अलग कोनों में भी उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज के समय में परमिश के लाखों फैंस हैं और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में परमिश वर्मा एक जाना माना नाम बन चुका है। उन्होंने ये मुकाम सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर हासिल किया है और आपको बता दूं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए परमिश ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है और शायद इसीलिए उनको अपनी इस लोकप्रियता की इज्जत करना भी बखूबी आता है। वह इतने मशहूर होने के बावजूद भी एक बहुत ही हम्बल इंसान माने जाते हैं। अपने स्ट्रगलिंग दिनों में उनको कई अलग अलग तरह के काम करके अपना गुजारा करना पड़ा, पर मेहनत ही वो चीज है जो इंसान को एक अच्छा व्यक्ति बनाती है और मेहनत करके परमिश भी एक बेहतर इंसान बने। तो आइए बिना कोई और देरी किए आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। परमिश वर्मा का जन्म 3 जुलाई 1986 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ। वह एक पंजाबी परिवार में पैदा हुए थे और उनके पिता का नाम सतीश वर्मा और माँ का नाम परमजीत कौर है। उनके पिता पेशे से एक प्रोफेसर और लेखक हैं। इसके अलावा उनके घर में उनसे छोटा एक भाई और उनकी एक बड़ी बहन भी है। बचपन से ही परमिश को एक्टिंग और सिंगिंग का बहुत शौक था। वह अक्सर अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे और जितना रुझान उनका एक्टिंग और सिंगिंग में था उतना ही कम उनका पढ़ाई में मन लगता था और इसी कारण से वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पटियाला के ही एक स्कूल से की और आगे की पढ़ाई करने के लिए वे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर गए। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करते वक्त उन्हें पैसों की काफी कमी महसूस होती थी। कम पैसे होने की वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करनी शुरू करी। उन्होंने होटल्स और पब्स में अलग अलग पोजीशंस पर काम किया, जैसे कि उन्होंने शुरुआत बर्तन साफ करने से की। उसके बाद वे बारटेंडर बने और इसी तरह से वे मैनेजर तक की पोस्ट तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये भी उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि जिस जगह पे उन्होंने बर्तन साफ करते हुए शुरुआत की थी वे बाद में उस जगह के मैनेजर बन सके। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ाई छोड़ दी और वो वापस पंजाब आकर रहने लगे। पंजाब आने के पीछे जो असल वजह थी वो तो क्लियर ना हो पाई, पर हाँ हम इतना जरूर जानते हैं कि ये उनके पैशन के प्रति प्यार ही था जो वापस उन्हें उनके देश खींच लाया। पंजाब में रहते हुए वे अपनी एक्टिंग के पैशन को फॉलो करते हुए थिएटर्स कर रहे थे। वे जानते थे कि इस फील्ड में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, पर वो ये भी जानते थे कि अगर मेहनत करो तो उसका फल जरूर मिलता है। बस यूं ही समय बीतता गया और उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई 2011 में, जब उनको अपनी पहली फिल्म पंजाब बोलदा में काम मिला। इस फिल्म में काम मिलने के बाद तो मानो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। फिल्म के बाद उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस परमिश वर्मा फिल्म्स खोल लिया, जिससे उन्होंने कई फेमस पंजाबी सिंगर्स के म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए, जिसमें आदत, गल जट्टा वाली, ठोकदा रया और गल्ला मिठिया जैसे सॉन्ग्स की म्यूजिक वीडियोस शामिल हैं। और इन्हीं में से कई म्यूजिक वीडियोस में वे एक्टिंग करते हुए भी दिखाई दिए हैं। डायरेक्टिंग में अपना जलवा बिखेरने के बाद वे फिल्मों में भी दिखाई दिए। अभी हाल ही में वे रॉकी मेंटल फिल्म में बतौर लीड एक्टर नजर आ चुके हैं। फिल्म को दर्शकों से काफी प्यार और क्रिटिक्स से काफी सराहना भी मिली थी। एक्टिंग डायरेक्टिंग में कमाल करने के अलावा उन्होंने सॉन्ग्स भी गाए हैं और उसमें भी वे अव्वल ही रहे हैं। उनके सॉन्ग्स को लोगों ने काफी पसंद किया है और उन सॉन्ग्स के यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज हैं। उन्होंने गाल कड़नी, आला चक में आ गया जैसे हिट सॉन्ग्स गाए हैं। इसके अलावा 2018 में 13 अप्रैल को एक अनजान व्यक्ति ने परमिश व उनके एक दोस्त पर गोली चला दी थी। इस खबर को सुनकर परमिश के फैंस को बहुत बड़ा सदमा लगा था, पर जल्दी ही उनके सेफ होने की खबर आई तब जाकर लोगों ने चैन की सांस ली। इस हमले में लगी चोट से उभरने के बाद वे जल्दी ही अपने फैंस के बीच वापस लौट आए और दिखा दिया कि वह किस मिट्टी के बने हैं। परमिश वर्मा पंजाब में ट्रेंड सेटर रहे हैं, लोग इनके लुक को फॉलो करते हैं। परमिश एक जिम एंथुजियास्ट भी हैं और फिटनेस को लेकर काफी मेहनत भी करते हैं और इन्हीं वजहों से वे लाखों लोगों की इंस्पिरेशन भी बन चुके हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी परमिश वर्मा की। हम उम्मीद करते हैं वे आगे भी हमको अपने टैलेंट से इसी तरह एंटरटेन करते रहें और आगे और भी सफलता प्राप्त करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि हम आने वाली वीडियोस किसके ऊपर बनाएं।
दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज लाता रहूंगा।